मंडी में जहां भाजपा प्रत्याशी जयराम ठाकुर अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चेतराम ठाकुर भी अपने चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान चेतराम ने कई पंचायतों में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सातवीं बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मिल्कफेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में वे चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को कांग्रेस की कल्याणकारी नीतियों के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान उन्हें भारी समर्थन भी मिल रहा है और कहा कि दर्जनों लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। चेतराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सातवीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास को एक नए आयाम मिलेंगे। राज्य चुनाव क्षेत्र में इस दफे मुझे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी के रूप में बनाया हुआ है और इस सिलसिले में हम गांव-गांव पंचायत वाइज लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का भारी समर्थन हमें कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और डेली जो है दर्जनों लोग जो है भाजपा जो लोग गलती से भाजपा में थे वो भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं और हमारी जो जीत है इस दफे बिल्कुल 100% निश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई उत्तर प्रदेश से कोई चंडीगढ़ से राजस्थान से सराय चुनाव क्षेत्र में बढ़कर भेज रखे हैं मानो कि हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए। और ये जो वर्तमान में जो हमारे विधायक हैं ये 20 साल से गुमराह कर रहे हैं, 20 साल से सराय की जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक भी विकास का काम जो है सराय चुनाव क्षेत्र में नहीं हुआ है, वरना बाहर से लाने की क्या आवश्यकता है। ये लोगों से बात करें, लोगों को सवाल जवाब करें, कहीं फेस करें। हम तो दिन को 11 बजे जाते हैं, लोगों को फेस करते हैं, बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कांग्रेस पार्टी इस दफे विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी और वीरभद्र सिंह जी को सातवीं बार हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे और सराय चुनाव के तरफ से इस दफे कांग्रेस पार्टी जीतेगी।